अभी हम काफ़ी हाइट पे आ गए हैं ना, तो जहाँ जहाँ पे ना वो क्या कहते हैं हम गए थे वहाँ पे ना बहुत काफ़ी डाउन है जगह हमारे घर से। और अभी हम जहाँ जा रहे हैं थोड़ा सा वहाँ पे जो है वो हाइट पे है, और अभी वहाँ पे धूप भी खिलने वाली है जस्ट, क्योंकि ओ यार सी, देखिए 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 मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देखिए कोरा, ये देखिए ये है कोरा, इसमें दिख रहा है। और दिखाता हूँ ये देखिए बर्फ, ये देखिए बर्फ की तरह होता है ये, एक मिनट पकड़ दूँ ये देखिए बर्फ की तरह होता है ना ये देखिए। तुम्हारा हिमांशु ने पकड़ा था कैमरा, इसके ना हिल जाता है, बहुत बुरा लगता है हमें तब, ऐसा करता है जब ये, है ना, जानबूझ के नहीं करता, बोला ऐसा ही हूँ मैं, है ना। तो ये देखो ऐसा बेशर्म आदमी है ना, ऐसे ऐसे हिलता है इसका कैमरा, पता नहीं क्यों, बिकनेस होगी इसको, पूछ वाला बिकनेस है। हाँ, आपने 50 किलो पचास किलो दूध है, एक टाइम शक्ल है इसकी 50 किलो ये पी पाएगा, एक गिलास तेरे से पिया नहीं जाता है, बेवकूफ लड़का बात करता है 50 किलो दूध। इसके ख्वाब देखिए आप, कितने बड़े बड़े ख्वाब होते हैं इसके। और अब हम आ गए हैं अपने खेतों में, वह कैमरे से दिखाता हूँ मैं, देखिए अभी काफ़ी गेहूँ जो है वो अच्छी लगने लगी है। ये देखिए पहले ना ये नीचे सारा जैसे यहाँ पे है ना अभी ऐसे दिखता था उधर भी, और वहाँ पे गेहूँ अच्छी लगती थी पहले भी, और अब यहाँ पे भी अच्छी लगने लगी है, क्योंकि अब यहाँ से हट गया है वो खरगोश, और हाँ अब डर गया वो, और यहाँ पे भी अब हट ही गया वो, यहाँ से भी अब नहीं है यहाँ पे लगा हुआ। और ऊपर वाले खेत में मुझे डाउट है, वहाँ पे चलते हैं इस वाले खेत में, ये देखिए ये जो ये वाला खेत है इसमें डाउट है, तो वहाँ भी चलते हैं और फिर देख लेते हैं कि वहाँ पे कैसा है। मेरा से पहले पहुँचना चाह रहा था। और देखिए यहाँ पे ना ये जो ये लगा रखा है ना ये उनके खरगोशों के लिए है, क्योंकि इससे ये जब हिलता है तो फड़फड़ फड़फड़ की आवाज़ आती है, तो तब लगा के रखा है। CID लगाओ बेटे। हैं? बेटे पट्टे। CID लगाऊंगा। हाँ। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे भी रुक गया अब खरगोश, देखिए अभी लग गए ना यहाँ पे गेहूँ होने, और पहले तो यार बिल्कुल साफ कर दिया था उन्होंने। और उस वाले खेत में देखते हैं अब आगे, इस वाले खेत में देख लेते हैं कि कैसी ये, नहीं अब लग गई यहाँ पे भी उन्हें ना, नहीं वो रुक गया अभी, यहाँ जैसे नहीं रुका, देखो यहाँ जैसे ये देखो कटे कटे लग रहे हैं ना आपको भी ऊपर से, और जो कटे नहीं है वो ऐसे हैं, तो ये थी लग रहा से, नहीं ये तीन रुक रहा जे, यहाँ पे नहीं रुका है अभी, ये तो ऐसा लग रहा है कि ताज़ा ताज़ा खाई होगी उसने ये। और वो नहीं खाता है भाई। अब देखिए आप यहाँ पे ना, यहाँ पे नहीं अब लगा वो, यहाँ से रुक गया है, देखिए यहाँ पे ताज़ा ताज़ा खाई थी 2-3 दिन पहले, ये देखो ऐसे पता लग जाता है कि ये ताज़ी है या 2-3 दिन पहले की है, तो 2-3 दिन पहले की होगी ये, क्योंकि अब मुझे लगता नहीं यहाँ पे होगा वो कुछ। और पता सबसे ज़्यादा पता कैसे लगता है, ये देखिए ये जो ये है ना ये उसने पॉटी कर रखी होगी, और यहाँ पे भी देखिए ये भी पॉटी कर रखी है उसने, तो ये खरगोश का पता लगता है, ये देखिए ये नहीं, नहीं देख देख, और देखिए यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ पे भी ऐसा ही है, तो अभी तक वो नहीं रुका है, मतलब इसका जुगाड़ और कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारी गेहूँ जो है वो बच जाए, नहीं तो ये सारी जो है वो ख़त्म कर देगा। हाँ तो आज सोचते हैं इसका इलाज आता है, फिर भी नहीं आता, और कुछ ना कुछ जुगाड़ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो वो रुक जाए। हैं ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं लगा है।
और ये देखिए अभी हमारे पास जो है धूप आ चुकी है और धूप खिल गई है। तो ये और जहाँ पे हम गए थे ये देखिए वहाँ पे अभी तक धूप नहीं निकली है और यहाँ पे जो है वो धूप निकल गई है। चलो अब हम घर की ओर दौड़ते हैं और घर में भी कर लेते हैं कुछ काम, है ना। रेस नहीं लगानी यार, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं लगाऊंगा रेस तेरे साथ? लगा तो रेस लगाने लायक हूँ मैं, बूढ़ा आदमी हूँ। और ये बोल रहा है मेरे साथ रेस लगाओ, क्यों लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, हैं? तू बूढ़ा है और इसकी ना शादी भी आ गई, आप लोगों को नहीं पता। हम सभी को ना इनविटेशन कार्ड जो है वो ज़रूर भेजेंगे जब इसकी शादी आएगी। अभी अभी तो ना ऐसे रिश्ता ही लगाया है इसका, और जब इसकी शादी होगी तो बुलाएंगे, है ना। बड़ा खुश हो गया ये, क्योंकि इसके जो शादी आने वाली है ना। और अभी हम पहुंच गए हैं अपने गांव की गलियों में, है ना भाई, बेड़ में, बेड़ में, बेड़ बेड़ बोलते हैं हम जो गांव होता है ना, उसको पहले बुजुर्ग जो है वो बेड़ ही बोलते थे। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपने गांव की गलियों में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और फिर अब यहीं पे थोड़ा सा विश्राम करते हैं, थोड़ा सा स्टॉप करते हैं इस वाली क्लिप को और फिर आगे जो है बात करते हैं। तो हम देखिए ये पहुंच गए हैं हम घर, है ना। और ये देखिए कितना खुश हो रहा है ये जो ये लड़का है, ये कितना खुश होता है ना, है ना भाई। हाँ, क्यों खाता है तू, क्यों खाता है मेरे को, देखो देखो क्या करता है, है ना, कहाँ करती है। ये देखो ऐसा करता है ये मेरे साथ जब भी आता हूँ मैं। गुस्सा होता है अगर इसको ना साथ लेके जाए तो। देखो कैसे भाग गया, इतना हरामी है, बहुत चालू है ये सोचता है कि कैसे घुमाता है सबको ये, बड़ा नज़ारा लेता है ये भी और बड़ी मस्ती करता है सबके साथ ये देखो 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 फिर आ गया और इनसे पकड़ में नहीं आ रहा ये, है ना। अब पकड़ा जाके देखिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो 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 बैठो, बैठी मांशू लड़के, देखो देखो क्या कर रहा है ये, क्यों पकड़ा मुझे, ऐसा बोल रहा है ना, क्या कर रहा है तू भाई, क्यों कर रहा, ओहो हो हो, ये क्या करता है, ये बेतरमीज है, सब किंग देने करता क्यों है तू, देखा ही दो, देखा ही दो, बोलो उसके वीडियो, बोलो उसके वीडियो बना रही है, और ये वीडियो बना रही, देख देख वीडियो बन रही है यहाँ पे देख, देखो 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 देखो, ये देखिए ये है हमाम, देखो करते थे हमाम। तो अभी हमाम को जलाया जा रहा है और हिमांशु हर एक जगह जो है अपने मतलब हर एक काम में जो है हाथ बटाता है सबके साथ। हिमांशु के बिना जो है आग भी नहीं जला सकते, तो आप देख पाते हैं कि कैसा यहाँ पे काम होता है और कैसे हमारे हिमांशु को तंग किया जाता है हर एक काम के लिए, है ना हिमांशु। तो हमारे पहाड़ों में सबसे ज़्यादा काम करते हैं बच्चे, और बच्चों के बिना कोई भी काम जो है वो नहीं होता है, है ना। मेरे साथ जाएगा तो हिमांशु, और यहाँ पे घर पे काम करेगा तो हिमांशु, हिमांशु कहाँ जाए, है ना हिमांशु। हाँ गरीले और आई ने देखो इतना काम करवाते हैं, यस इन्हें जूते।
तो हिमांशु तो हफ्ते बाद नहाता है, फिर पानी किसके लिए गर्म हो रहा है हिमांशु? हाँ, हर रोज नहाता है हिमांशु, ऐसा गंदा बच्चा थोड़ी ना है, है ना? तो हमाम से हमारे को पता क्या फ़ायदा होता है, हमारा गीजर भी यही होता है और इसी में ज़्यादातर जो है वो सर्दियों में पानी गर्म करते हैं। तो इसमें पता क्या होता है, लक्कड़ जैसी मर्जी हो, छोटी मोटी कागज़ के टुकड़े या गत्ता कोई, तो उससे भी जो है पानी गर्म हो जाता है और जल्दी हो जाता है, और 15 लीटर कम से कम जो है वो पानी गर्म इसमें हो जाता है। तो इसलिए जो है हमाम का प्रयोग हमारे यहाँ किया जाता है। ये देखिए इसके ड्रम में। और अभी हम ना खेत में आए, मैं और हिमांशु। तो यहाँ पे ना आपको पता ही है कि गेहूँ जो है वो क्या बोलते हैं उन्हें, खरगोश खा रहे हैं। तो इस अब ये आग हमने जला दी है ना, इसकी अब थोड़े थोड़े धुएं से भी जो है वो भाग जाएंगे, ऐसा सोचेंगे कि यहाँ पे जो है वो कोई आदमी है, तो इसलिए जो है वो डर जाएंगे थोड़े से। और बस ऐसे ही हम थोड़ी थोड़ी जगह पे आग लगाते रहेंगे थोड़े थोड़े दिन, और फिर जब गेहूँ काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो हमारे को ज़रूरत ही नहीं। और ये देखिए, ये हिमांशु और मैं आया ना, अभी हमने ऐसे लगा दी आग और थोड़ी थोड़ी यहाँ भी लगा दी है, बस ऐसे ही ना थोड़ा थोड़ा हम ऐसे फिर डरते रहेंगे। वो बल्ले लगाया हो गया दो तीन यहाँ पे देखो, है ना? हाँ, लाइट ही नहीं है, कोई रूप नहीं। तो ऐसे काम करने पड़ते हैं हम पहाड़ियों को, क्योंकि यहाँ रात रात को भी आना पड़ता है खेतों में। और क्या, हाय एवरीवन, तो अभी रात का समय, हम दोनों आए हैं ये देखते एक डांग की वजह। डांग की क्या? ये अरे मेरे को तो इसके बस है। चलो ठीक है जी, अभी हम ना अगर ये देखो खेतों में आए हैं। ओके बाय।